हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे किस तरह आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेल के साथ इंटीग्रेट करके ऑटोमेट कर सकते हैं और बल्क में लेटर्स जनरेट कर सकते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, सब कुछ वन क्लिक पे जनरेट होगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोस वक्त पे मिला करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेना है या उस डॉक्यूमेंट को खोल लेना है कि जिसमें मेरा लेटर ड्राफ्ट हुआ हुआ है। अभी मेरे पास कोई लेटर ड्राफ्ट नहीं है तो मैं क्विकली एक लेटर लिख लेता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए होगी डेट, देन सब्जेक्ट, फिर लेटर का रेफरेंस आई कैन गिव इफ आई रिक्वायर एनी, ठीक है। फिर मैं लेटर लिख लेता हूँ, लेट्स से डियर जॉन, थैंक यू फॉर ओपनिंग अकाउंट इन आवर कंपनी, योर करंट बैलेंस इज $5,200। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी काइंडली कॉन्टेक्ट अवर एजेंट पार्कर फॉर मोर इंफॉर्मेशन, थैंकिंग यू ओवेस मेमन एमडी एक्सेल टूअर्स डॉट कॉम, राइट। अब मैं इस लेटर्स को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे मेरी फील्ड्स जो है वो बोल्ड चाहिए होंगी, ठीक है। इस बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस चाहिए होगा, थैंकिंग यू वगैरह, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे मैं एक फर्जी डेट डाल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर 2021, सब्जेक्ट बैलेंस इंक्वायरी, और रेफरेंस में दे देता हूँ लेटर और ED001, राइट। तो ये मैंने एक रेफरेंस दे दिया। इसके बोल्ड को खत्म कर लेते हैं क्विकली। राइट, इन फोन्स को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। या ठीक है, तो ये मैंने कोई क्लिक लेटर ड्राफ्ट कर लिया। अब मुझे एक एक्सेल में डेटाबेस बनाना है। उस डेटाबेस को यूज करते हुए हम इस पूरे लेटर को ऑटोमेट कर देंगे, ठीक है। किस तरह करेंगे वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले एक्सेल का एक डेटाबेस बना लेते हैं। आपने एक्सेल की एक फाइल बना लेनी है, आपने एक फाइल खोलनी है। फाइल खोलने के बाद आपने इस लेटर को सामने रखना है, ठीक है। और जो अपनी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उसे फर्स्ट लाइन में एज ए हेडिंग इस्तेमाल करना है। आपकी जो पहली रो होगी वो बाय डिफॉल्ट हेडिंग रो होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो करना आपने ये है कि फॉर एग्जाम्पल पहला मेरा कॉलम है डेट का, देन मुझे सब्जेक्ट की नीड होगी तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, देन मुझे रेफरेंस नंबर डालना है, फिर मुझे पर्सन नेम डालना है तो मैंने लिख दिया नेम, उसका बैलेंस डालना है सो आप यहाँ पे बैलेंस का कॉलम दे दें, फिर उसके एजेंट का कॉलम दे दें, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज सेम रहेगी, तो मुझे कोई भी चीज़ उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। जो चीज़ें मुझे चेंज करनी है वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपने एक्सेल डेटाबेस के अंदर डाल लूंगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ माई डेटाबेस, ठीक है। अब मैं डेट्स डाल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, ये मैं कुछ फर्जी डेट्स डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट डाल लेता हूँ बैलेंस इंक्वायरी, न्यू अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी। ये मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए कि थिंग्स आर बीइंग अपडेटेड, राइट। रेफरेंस में डाल देते हैं ED-001, ED-002, ED मीन्स एक्सेल डूअर्स फॉर माई कंपनी, इट कैन बी एनी, ठीक है। आप अपने
रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी रेफरेंस रखें। ये फिलहाल फर्जी एक टेम्पलेट है, बट ऑफ कोर्स आप इसको जो आपके एक्चुअल लेटर्स हैं उस पर एक्चुअल फील्ड्स बनाएं और उस हिसाब से उसको ऑटोमेट करें। नेम मैं चूज कर लेता हूँ, जॉन एडम अब्राहम एंड ओलिविया, राइट। बैलेंस अब मैं कोई फर्जी बैलेंस ले लेता हूँ, लेट्स से 1500, 18000, 1600 एंड 7500, राइट। तो ये मैंने कुछ बैलेंसेस ले लिए। एजेंट के नेम में रख देता हूँ फॉर एग्जांपल नवीद, यूसुफ, ओसामा एंड लेट्स से पार्कर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ फर्जी नाम रख लिए अपने एजेंट्स के और एक फर्जी डेटाबेस बना लिया। अब इस डेटाबेस को यूज करते हुए मैं इस लेटर को बड़ी आसानी से ऑटोमेट कर सकता हूँ। आपने करना ये है कि जो आपने एक्सेल डॉक्यूमेंट बनाया है इसको आपने सबसे पहले कहीं सेव कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको क्विकली सेव कर लेता हूँ, राइट। तो मैंने इस डेटाबेस को सेव कर लिया, अब मैंने इस फाइल को क्लोज कर देना है, ठीक। एक्सेल डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के बाद आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे वापस आएंगे और अब आप अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट को अपने उस एक्सेल डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आपने करना यह है कि आपके पास ऊपर मेन्यूज होंगे, उस मेन्यूज में आपने मेलिंग्स में जाना है। मेलिंग्स में जाने के बाद आपने स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड पे एक मेन्यू खुलेगा जिस इज कॉल्ड मेल मर्ज। उसमें आप लेटर्स को ही सिलेक्टेड रहने देंगे और नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो उस पर आप यूज द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, के जो डॉक्यूमेंट इस वक्त खुला हुआ है मैं इसी पे काम करना चाहता हूँ, आप उसी को सेलेक्टेड रहने देंगे और नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपियंट्स पे क्लिक करेंगे। वो करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे जिस पे लिखा हुआ है सेलेक्ट रिसिपियंट्स यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। तो आप इसी को सेलेक्टेड रहने देंगे और नीचे आपके पास ऑप्शन होगा ब्राउज, आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ब्राउजर विंडो खुलेगा, इसमें आपने अपनी उस एक्सेल डेटाबेस को सेलेक्ट करना है जो आपने अभी क्रिएट की। तो मेरी एक्सेल की फाइल ये रही, मैंने इसको ओपन किया। जब मैंने इसको ओपन किया तो इट इज आस्किंग मी कि इस एक्सेल फाइल के अंदर जितनी भी शीट्स हैं वो यहाँ लिस्ट डाउन होंगी। अभी इस वक्त वहाँ पे एक ही शीट है विच इज कॉल्ड डेटाबेस और मैं इसी से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहता था, मैं इसी को सिलेक्टेड रखूंगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है माय फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन्स कॉलम हेडर्स, इस पे चेक रहेगा, आप प्लस ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये आपको बता रहा है कि मुझे क्या क्या फील्ड्स उसमें मिली, वो तमाम कॉलम्स यहाँ पे लिस्ट अप हो जाएंगे और उसमें जो डेटा है वो भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप तमाम डेटा चाहते हैं तो आप ये इसी पे चेक रहने देंगे, ठीक है, और प्रेस ओके कर देंगे। प्रेस ओके करने के बाद आपने इस विंडो को क्लोज कर देना है, राइट। अब हुआ ये कि आपके इस थ्री स्टेप प्रोसेस से आपका एक्सेल डॉक्यूमेंट आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ अब कम्युनिकेशन कर रहा है, वो इंटीग्रेट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, हमारी इन फील्ड्स को अपडेट करना होगा अकॉर्डिंग टू दैट डेटाबेस। किस तरीके से करेंगे, लिया इस वक्त मैंने 1st अक्टूबर ये हार्ड ली टाइप किया हुआ है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अब यहां पे मुझे एक्चुअल मेरी डेट चाहिए जो एक्सेल के अंदर मौजूद है। मैं इसी टॉप मेन्यू में मेलिंग पे जाऊंगा, मेलिंग के अंदर अब मेरे पास ऑप्शन है इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड, इस पे क्लिक करूंगा और यहां पे डेट के ऑप्शन जो मेरी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी यहां पे आ चुकी हैं। तो अब मैं डेट की फील्ड यहां पे रख दूंगा, सिंपल। इसी तरीके बैलेंस इंक्वायरी को मैं सेलेक्ट करूंगा, डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे इंसर्ट सब्जेक्ट कर दूंगा। सिमिलरली रेफरेंस की जगह मैं रेफरेंस की फील्ड रख दूंगा, जॉन की जगह मैं एक स्पेस दूंगा और नेम फील्ड रख दूंगा। देन आई विल गो फॉर द योर करंट बैलेंस इज 5200 डॉलर की साइन में रहने देता हूँ क्योंकि हर चीज में डॉलर साइन आएगा और यहां पे मैं बैलेंस की फील्ड डाल देता हूं। एंड मेरे एजेंट जो नेम है एजेंट पार्कर, मैं उसके नेम की जगह
एजेंट फील्ड डाल देता हूँ, और एक स्पेस दे देता हूँ फोर के बाद, एजेंट के नाम के बाद स्पेस है, ठीक है। ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब मुझे अपना पहला डॉक्यूमेंट अगर प्रीव्यू करना है तो यही मेलिंग में मेरे पास ऑप्शन है प्रीव्यू रिजल्ट, मैं इस पर क्लिक करूंगा। आप देखें मेरी तमाम फील्ड्स अपडेट हो गई, ये डेट आ रही है, बैलेंस इंक्वायरी खुद ही आ गया, मैंने इसको बोल्ड किया हुआ था इस वजह से ये अभी तक बोल्ड है, इसको बोल्ड हटा देते हैं, ठीक है। डेट फील्ड आ रही है, अब देखिए इसके ऊपर क्लिक करें तो हाईलाइट भी हो रहा है, ठीक है। मेरे डॉलर अमाउंट्स आ गए। अब ये जो मेरा डेट का जो फॉर्मेट आ रहा है, मैं इस तरीके से नहीं चाह रहा, मैं अपना फॉर्मेट को चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ 5-OCT-2021 इस तरीके से ये फॉर्मेट दिखे। टू अचीव दैट पर्पस, इसका मैं बोल्ड खत्म कर देता हूँ इसे, ठीक है। टू अचीव दैट पर्पस मैं वापसी मेलिंग में जाऊंगा, प्रीव्यू रिजल्ट में जाऊंगा। आप देखें आपकी फील्ड सामने दोबारा आ गई कि कौन कौन सी फील्ड आपने रजिस्टर्ड की। आपने इस डेट फील्ड पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा टोगल फील्ड कोड्स। टोगल फील्ड कोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्रोग्रामिंग खुलेगी जो इस फील्ड की प्रोग्रामिंग है। आपने करना ये है, बैक स्लैश देना है, एट द रेट लिखना है, फिर स्पेस देना है डेट के आगे, बैक स्लैश देना है, एट द रेट देना है, फिर स्पेस देना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा खोलना है, और अब आप कैपिटल में लिखेंगे कि मुझे दो डिजिट की डेट चाहिए, यानी DD-MMM, ये भी आप कैपिटल में लिखेंगे। मुझे 3 अल्फाबेट्स में मंथ चाहिए स्पेस, और मुझे 4 डिजिट में ईयर चाहिए, और इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज कर देंगे। ये आपने फॉर्मेटिंग बता दी इस फील्ड की। अब जब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो आप देखें ये 5 अक्टूबर 2021 लिखा हुआ आया, ना कि 05/01 इस तरीके से आया, ठीक है। तो बैक स्लैश एट द रेट लगा के विच, अच्छा इसको हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में स्विचेस कहते हैं। तो आप स्विच लगा के जो है ना अपने फॉर्मेट को उस हिसाब से स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला लेटर तैयार हो गया। अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आगे पीछे जाने का, तो आप सेकंड करेंगे, ये आपका सेकंड डॉक्यूमेंट, थर्ड डॉक्यूमेंट, फोर्थ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने जनरेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है कि आपने इसी मेलिंग में रहते हुए फिनिश एंड मर्ज में जाना है और एडिट एंड इंडिविजुअल्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है, अच्छा जब आप इस प्रोसेस को रन करेंगे ना तो ये जो आपने इस वक्त फील्ड्स डाली हुई है ना, ये एक प्रोग्राम्ड फील्ड्स है, प्रोग्रामिंग हुई हुई है इस पर। लेकिन जब आप ये फाइल किसी को भेजेंगे ना तो ऑफकोर्स उसमें से प्रोग्रामिंग को हटा के भेजेंगे, ठीक है, या सेव करेंगे तो प्रोग्रामिंग हटा के सेव करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज ना हो, ठीक है, और वो उसको ईजिली एडिट कर सके। अभी इसको कोई एडिट नहीं कर सकता, आपको एडिट करना है एक्सेल डॉक्यूमेंट में जाके आप करेंगे, लेकिन आप वर्ड के अंदर ही एडिट करना चाहते हैं तो आपने पहले इसकी प्रोग्रामिंग को ख़त्म करना है और फिर एडिट करना है, राइट। अभी देखें अगर अभी मैं इसके दरमियान अगर कुछ लिखना स्टार्ट कर दूँ ना तो ये आप अगले डॉक्यूमेंट पे जाएंगे ना, देखें वो हट गया, अब मैं बैक में आऊँगा दोबारा हट गया, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस आपने इस लेटर को एक्सट्रैक्ट करना है और फिर चेंजेस करनी है। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि आप फिनिश एंड मर्ज में जाएंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। अगर आप तमाम रिकॉर्ड्स जो आपके 1 से लेकर 4 तक हैं वो सब जनरेट करना चाहते तो ऑल सेलेक्ट कर लें, सिर्फ करंट रिकॉर्ड 4 है तो करंट कर लें, या अगर सिर्फ दूसरा या तीसरा डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो 2-3 कर लें, ठीक है। तो मैं अभी अपने ऑल पे सिलेक्ट करके प्रेस ओके कर रहा हूँ। जब मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुला जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट हो चुके हैं और इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। मीन्स आप जो भी चीज़ चाहें एडिट कर सकते हैं, मतलब आप देखें कोई टॉगल फील्ड वगैरह कोई ऑप्शन ऐसे नहीं आ रहा है, इट्स अ हार्ड कोडेड डॉक्यूमेंट। तो आप इसको इंडिविजुअली सेव भी कर सकते हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक साथ भी एडिट कर सकते हैं। सोली अप टू यू हाउ यू वुड लाइक टू प्ले विथ योर डेटा। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कि किस तरीके से एक्सेल को वर्ड के साथ इंटीग्रेट करके लेटर्स जनरेट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में बताएं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।